स्टेशन में मैं हूं शकील बागमारे बीजापुर कोरोना अपडेट के साथ। तो चलिए पहले बात करते हैं आज सुबह की हेल्थ बुलेटिन की। तो आज सुबह की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक टोटल कर्नाटक में 105 नए मामले सामने आए हैं। जैसे लॉकडाउन 4.0 का आगाज हुआ शुरू होते ही जैसे दूसरे राज्यों से और इंटर डिस्ट्रिक्ट से लोगों की तादाद जैसे ही शहरों में आने लगी है, उसी तरह ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो हर वक्त 100 का टारगेट ये पार करते जा रहा है। तो इस वक्त भी आज की रिपोर्ट के मुताबिक 105 एक्टिव पॉजिटिव केस पाए गए हैं। और अगर टोटल कर्नाटक की आप बात करेंगे तो टोटल कर्नाटक में इस वक्त 1710 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिनमें 588 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 41 लोगों की जान चली गई है। और जैसे कि आज 105 लोग जो नए केस आए हैं, इनमें बीजापुर से भी 2 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें पेशेंट नंबर 1660 जो 34 साल के हैं और इनका ये कंटेनमेंट जोन से आए हुए थे, और पेशेंट नंबर 1661 जिनकी उम्र 33 है, ये भी कंटेनमेंट जोन से आए हुए थे। अब अगर कुल अगर बात करेंगे तो इस वक्त बीजापुर में 63 पॉजिटिव केस मौजूद हैं, जिनमें 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 41 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अब एक्टिव पॉजिटिव केस इस वक्त बीजापुर में 18 है, 18 लोगों का इलाज चल रहा है जो पॉजिटिव केस एक्टिव पाए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, टोटल बीजापुर से जो सैंपल टेस्टिंग को भेजे गए थे वो 3224 थे, और जो अभी पेंडिंग है, जो आना बाकी है, वो अभी आपको चौंकाने वाले मामले हैं। 3690 लोगों के सैंपल टेस्टिंग वेटिंग में है, जो अभी उनके रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये थी आज की मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।